अब जो हम बात करें वो बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था की। ठीक है, अब मन में प्रश्न आ रहा है उस ऑक्सीकरण अवस्था क्यों निकाली जाती है, पहले समझते हैं ऑक्सीकरण अवस्था क्यों निकाली जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्यों जरूरी होती है, क्यों आवश्यक होती है परमाणुओं के लिए? देखिए, अब प्रत्येक परमाणु को याद रखना, कोई सा भी परमाणु हो, वो सभी जो क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, सभी गुण पढ़ रहे होते हैं, क्रिया विधि पढ़ रहे होते हैं, उनका एक ही रीजन है कि वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्थायी होना चाहता है। तो वो दो तरीके से स्थायी हो सकता है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, या वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो ऋणात्मक आप देखने मिलती है, अगर वो ग्रहण लेता है ऑक्सीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और जब त्यागता है तो उसकी ऑक्सीकरण क्या हो जाती है, अवस्था पॉजिटिव चार्ज की हो जाती है। ठीक है, देख लीजिए, लिख लेते हैं बात। जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ग्रहण उसी में अवस्था करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, क्या हो जाएगी, धनात्मक। ये नहीं समझ में आ गया, जब इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो वो उसकी उसी में अवस्था क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा तो उसी अवस्था क्या हो जाएगी, उसकी धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, सभी में बात ये लागू होती है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पड़ेगी उसके अंदर जो बात हम रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ऑक्सीजन अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, अब एक और चीज होती है, अधिकतम क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन एक आती है ऑक्सीकरण, एक आता है। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ कि आवर्त में ये प्लस ऑक्सीकरण अवस्था और ऋणात्मक अवस्था क्या है होती है। जैसे आवर्त हम जब हम बाएं से दाएं जब जाते हो, ऐसे जो प्लस ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो बढ़ती जाती है। बढ़ना, जबकि ऋणात्मक जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ज्यादा जाती है कम। ठीक है, मतलब प्लस ऑक्सीकरण अवस्था यही मतलब है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्यागता जाता है। ठीक है, बढ़ती जाती है प्लस ऑक्सीजन अवस्था है, और ऊपर से नीचे आओगे तो ये प्लस ऑक्सीजन अवस्था क्या हो जाती है, कम होती रहती है, ये क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। हम एक और बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या होती है, कि एक ऑक्सीजन अवस्था होती है किसी भी आवर्त सारणी के अंदर, वो अधिकतम क्या होती है, 10। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो 10 होती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। किसी भी आवर्त सारणी के अंदर क्या होती है, जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 10 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब दो शब्द आते हैं, तो आता है ऑक्सीकरण, एक आता है अपचयन। एक आता है ऑक्सीकरण, एक आता है अपचयन। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें वो ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अब चेन होगा जो ऑक्सीजन को क्या होता है, जब ऑक्सीजन को जब ग्रहण कर रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वो त्याग देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन को त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, ग्रहण, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण वे अपचयन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है,
मतलब इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देता है, त्याग देता है, मतलब ये भी कोई मेटल है। ठीक है, जब जो इसको ऑक्सीकरण कराना होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसको यह क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अपचय 12th क्लास के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा ऑक्सीकरण और अपचय। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन हमें निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के साथ प्रबल ऑक्सीकरण की बात करेंगे। प्रबल ऑक्सीकरण की बात करेंगे, प्रबल ऑक्सीकरण क्या होंगे, इन स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है, अपचित होता है, स्वयं होंगे अपचित। दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। दूसरों को करते हैं ऑक्सीकरण, करते हैं क्या करते हैं, खुद तो अपचित हो जाते हैं। अपचित का अर्थ है खुद तो क्या कर लेंगे, ये कि इलेक्ट्रॉन को कर लेंगे ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे ये पहले तो, और क्या हो जाएंगे, अपचित। फिर दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीजन, अर्थात इसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे कोई भी एलिमेंट हुआ तो। ठीक है, यह तो प्रबल ऑक्सीकरण। प्रबल ऑक्सीकरण को हमने पीछे पढ़ा था, विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है, विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस पर निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब ईए की बात की तो मैंने कहा था आवर्तन 22 से 23 में क्या होता है, ये बढ़ते हैं और प्रबल ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसी का जो उल्टा हम बात करते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो उल्टे ही बात करते हैं, प्रबल अपचय कारक, प्रबल से क्या होती है, वह होती है जिसके अंदर से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या निकलता है, बाहर निकलने जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में बाहर से जाया जाओगी तो क्या होगी, क्योंकि अधिक ऊर्जा से बढ़ती जाएगी, परंतु ये उल्टा होता है तो अपचायक में क्या होता है, कम होते जाएंगे, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या आवर्त बढ़ेगी तो आयन ऊर्जा हमारी कम होगी तो अपचायक में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, इतना एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर हम कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखेंगे और उनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ठीक है, हम कुछ तत्वों की या ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात अभी करेंगे। पहले हम बात करते हैं वर्ग 13। ठीक है, फिर हम वर्ग किसी बात करेंगे 14 जी, फिर हम वर्ग 15 की बात करते हैं, फिर हम वर्ग 16 की बात करेंगे, फिर इसी प्रकार से वर्ग 17, ठीक है, 18 की बात करेंगे। ठीक है, इसी अंदर तत्व कौन कौन से होते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं इनके अंदर। पहले बात करते हैं बी, चलिए बैंगन आलू गाजर, इसमें तो दो बड़े होते हैं पता है, पर पी के अंदर भी नंबर आता है एक। इसके अंदर बात करें तो दो, इसकी बात करें तो तीन, इसकी बात करें तो चार, इसकी बात करें तो ओके। अब देखिए इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है, देखिए ये अपना स्टेबिनेस प्राप्त करना चाहिए, दो प्रकार से स्टेबिनेस प्राप्त कर सकता है, अगर ये तीनों को, तीनों इलेक्ट्रॉनों को अपने से बाहर निकाल ले। बात करते हैं इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, तो देखिए ये ऑक्सीकरण अवस्था कितने दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। इनकी बात करें तो ये +3 दिखाते हैं, स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे,
गैलियम की बात करूँ तो ये पहले +3 जो दिखा, ये भी +3 दिखाता है, ये भी +3, ये +3। अब एक तो बात कंफर्म हो गई होगी कि ग्रुप नंबर 13 के जो तत्व है वो सारे सारे क्या दिखाते हैं, +3 अवस्था दर्शा के क्या मान सकते हैं, वो अपने अस्तित्व प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, एक भी अवस्था दिखा देती है, क्वेश्चन बन जाए कि +3 की जो सभी सही तत्व कौन से अवस्था दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं। अब देखिए साधन प्लस बंद भी है क्योंकि ये NH2 भी एक स्थायी विन्यास है, तो और कौन कौन से दिखाते हैं देखिए, ये तो थैलियम दिखाता है, ये भी +1 अवस्था दिखाता है, ये भी +1 अवस्था। ठीक है, इतना खत्म हो गया वर्ग 13। वर्ग 14 की बात करें तो देखिए इसमें कितने निकाल सकता है वो, 76 तत्व लिख लेते सारे सारे सी पर, 4 सारे सारे दिखाएंगे। एक और अवस्था होती है वो होती है +2, एक क्या होती है +2 कितने +2 +2। बात कर लेते हैं अगली, 15 की बात करें क्योंकि देखिए अब क्या होती है ऑक्सीजन अवस्था है कि ये ना अपना अस्तित्व अष्टक नियम की पालन करता है, किसकी पालन करता है, अष्टक नियम की पालन करता है, अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। अष्टक को पूरा करने दो तरीके से हो सकते हैं, अगर 5 है यहाँ पर तो वो 3 क्या कर सकता है, 3 को ला सकता है अपने अंदर, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, और अष्टक पूरा करना तो निखार सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे, मतलब 6 या 7, वहाँ पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लाना बहुत आसान होता है, उसके मुकाबले जिसमें हम बात करें उसके अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही हो, वहाँ से निकालना बहुत कठिन कार्य होता है। जब हम 5 के या 4 के करीबन या 6 के भी बात करें तो दोनों स्थितियाँ आपको देखने मिल सकती होगी, ऑक्सीकरण अवस्थाओं की ऋणात्मक और धनात्मक अवस्थाएँ देखने मिल सकती है। एक जो आपको बात यहाँ पर दिखाई दे रही होगी वो देख रही होगी वर्ग 13-14 जितने भी हमने बात की है वहाँ पर केवल और केवल आपको पॉजिटिव प्लस वाले ही उसके अवस्थे अर्थात तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सिर्फ त्याग दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर ऋणात्मक उसके अवस्था देखेगी अर्थात यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनों को भी ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई कि ग्रहण करने भी वाले, तो ऑक्सीजन अवस्था कौन कौन सी दिखाएंगे उनकी बात करते हैं कर रहा हूँ मैं। अब इसी बात करें वर्ग 15 की बात करेंगे, देखिए इसके अंदर दो अवस्थाएं आपको देखने में मिलती है, 5 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाल सकता है। ठीक है, और क्या निकाल सकता है, ये हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, 5 और 3, ये सभी में आपको कॉमन देखने को मिल जाती है, तो आप अपनी बात दे सकते हो +5 और +3। इसमें आपको दिख रही है 3 और 4, दोनों में बाकी में क्या 4 और 2, इनसे आप निकाल सकते हो, इसको याद रखना, वो चीज़ इसीलिए ऑक्सीजन अवस्था है आपको याद होगी। इसके अलावा ये 4 को भी निकाल सकता है, ठीक है, इसके अलावा ये 2 को भी निकाल सकता है, इसके अलावा 1 को भी निकाल सकता है। ठीक है, जब ऐड करने की बात करूँ मैं तो -3 को भी ऐड कर सकता है, -1 को भी ऐड कर सकता है, -2 को भी ऐड कर सकता है, देखिए इसकी ऑक्सीजन अवस्था भी 0 होगी, मैं बात करता हूँ +3 को निकाल सकता है, साथ में -3 को ऐड भी कर सकता है, और -1 सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को भी ये जोड़ सकता है। जब इसकी बात करोगे आप तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको -3 अवस्था देखने मिल सकती है, इसमें जब बात करोगे सिर्फ आपको -1 और देखने मिल सकती है। ठीक है, और यही आपके उसके अवस्था, ये हम निक्स की बात की, वर्ग 15 की बात है की है, मैंने जैसे बात की थी वर्ग 13-14 सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहे थे आपको, +1 ऑक्सीजन अवस्था दिखाते हो, यहाँ पर आपको -1 ऑक्सीजन अवस्था भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर हम क्या बात करते हैं वर्ग 16 की बात है करते हैं। ठीक है,
अब इसी प्रकार से हमने और ऑक्सीजन अवस्थाओं की भी बात की है। वह 16 की ऑक्सीजन अवस्था बात करें तो ऑक्सीजन भी देखिए माइनस में 1 व 2 3 की ऑक्सीजन अवस्था है, कोई भी धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था नहीं देखने को मिलती है आपको। सिर्फ फिर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा या फिर क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने ऐड कर लेगा। बात करते हैं एस की, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है माइनस 2 इलेक्ट्रॉन अवस्था दिखाई दे रही है धनात्मकता, ठीक है। दोनों देख सकते हो एस और एस ई में दोनों में 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ऐड करके अपने स्ट्रिप पूरा करेगा। और इसमें एक और देखिए, दोनों में समानता एक और है कि दोनों क्या कर रहे हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को 6 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। एस एस ई और टी आई दोनों क्या कर रहे हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहे, ठीक है, या तो क्या करेंगे वो 6 इलेक्ट्रॉनों इससे या प्लस 4 इलेक्ट्रॉनों को, मतलब एन पी से एस टू से उसका तो बनता ही रहता है, ठीक है। तो या क्या कर रहा है, इसके अंदर आपको एक और दिख रही होगी प्लस 4 प्लस 2 की दिख रही होगी आपको, या वो क्या करेगा यहाँ से क्या करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वापस देख लीजिए एस वाली, यहाँ से क्या होगा एस और तो सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन अवस्था दिखा रहा है, माइनस 1 बाय 2 दिखाई दे रहा है। तो एस सी आई पी आई की जब बात हुई और पी ओ की जब मैं बात करूँ तो देखिए इसके अंदर से क्या होगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा स्थायित्व प्राप्त, फिर 4 को भी निकाल लेगा फिर भी स्थायित्व प्राप्त, फिर वो 2 को भी निकाल लेगा फिर भी वो क्या कर रहा है स्थायित्व प्राप्त कर रहा है। परंतु जब मैं पी ओ की बात करता हूँ तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस 4 प्लस 2 निकालता है। ये सिर्फ हमने बात किसी की है इलेक्ट्रॉनों को निकालने की बात की, अब हम जोड़ने की बात करते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मकता हम देखने को मिलती है सिर्फ सभी तत्वों को देखने को मिलती है, कितनी ऋणात्मकता हो सकती है, 2 ही हो सकती है, कोई 1 ऐड कर लेगा या क्या कर लेगा 2 ऐड कर लेगा। तो भाई सभी के अंदर में आपको दिखाई दे रही -2 ऑक्सीजन अवस्था है और ऑक्सीजन है सिर्फ और सिर्फ -3 ऑक्सीजन अवस्था दिख रही है। अब वर्ग 17 की बात करते हैं तो इसमें हम आपको देख सकते हैं कि वो अधिकतम हो सकता है 7 इलेक्ट्रॉन निकाले, हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, स्थायित्व प्राप्त कर सकता है अपने, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकता है। या ऐड करने की बात करो तो ऋणात्मक ऑक्सीजन अवस्था की बात करो, 7 है पूरा ऋणत्व -1 को और ऐड कर सकता है। इसी के अनुसार हमें देखने को मिल सकती है सभी के अंदर माइनस 1 ऑक्सीजन अवस्था आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ठीक है। साथ में आपको ऑक्सीजन अवस्था कितनी दिख रही है, प्लस 5 भी आपको देखने को मिल रही है और एक इसमें ऑक्सीजन और अवस्था है +3, +2 नहीं देखने को मिल रही है आपको, +3 देख रही है, +1 भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी क्यों देखने को मिल रही है उसकी तो बात मैं करूँगा अभी आपके साथ में। अभी ये +1 क्यों देखने मिल रही है उसकी बात कर लेता हूँ। देखिए +1 इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि मैंने क्या कहा है कि जो एस है ना एस वो भी अर्धवृत्त अवस्था में स्थायित्व प्राप्त कर लेता है अपना, तो स्थायित्व प्राप्त करने की अवस्था है कि यहाँ से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे एस स्थायित्व अपना प्राप्त कर लेगा, ठीक है। जब पी की आप बात करते हो तो पी के अंदर क्या होता है कि हम बात करते हैं कि वो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। जब एक को आप अर्ध स्थायित्व कर लेते हो एस की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपको 1 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, परंतु जब मैं पी की बात करूँ तो उसको भी साथ में आपको स्थायित्व प्राप्त कराना है तो उसमें से भी आप क्या निकाल लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो इससे 1 निकलता है तो इससे भी 2 निकलते हैं, तो कुछ कंडीशन इस प्रकार से निकलती है NS में NP3 बन जाती है, 4 होते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल लेंगे +3 और क्या बना लेते +3 की ऑक्सीजन अवस्था देखने को मिल जाती है। ऋणात्मकता की बात सिर्फ +1 देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें देखिए 7, 5 और 3 देखने को मिलती है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 5 निकाल रहा है अपने अंदर से, कितने निकाल रहा है 5 निकाल लेगा, एस की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर दोनों अर्ध स्थायित्व की बात हुई है तो +3 और जब मैं एस की बात करूँ तो +1, इसके अंदर भी देखिए 7 में ये पूर्ण तत्व नहीं निकाल रहा है, ठीक है, 7 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी बात करूँ तो इसके अंदर है 7 देखने मिल जाती है +1 +-1, इन दोनों की लगभग सी एल और आई की लगभग समान ऑक्सीजन अवस्था है, बी आर +7 ऑक्सीजन अवस्था
ये दिखा रहा है 80 माइल्स एक ऑक्सीजन और बस्तर दिखा रहा है एफ के समान। तो हो सकता है कि किन दोनों की ऑक्सीजन अवस्था समान है, एफ और ए टी की बात कर सकते हो और आई और सी एट की ऑक्सीजन अवस्था बिल्कुल समान है। जो एस ब्लॉक का तत्व एक अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है कि जो बी ब्लॉक का अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था कितनी दर्शा रहा है, ये प्लस 7 भी दर्शा रहा है और प्लस 1 भी ऑक्सीजन अवस्था दर्शा रहे, कौन कौन दर्शा रहे थे ये तत्व भी प्लस 1 ऑक्सीजन दर्शा रहे थे और जीरो की जो जीरो दर्शा रहे थे ऑक्सीजन अवस्था वो एन परमाणु जीरो ऑक्सीजन अवस्था दर्शा रहा था। इनकी बात करें तो देखिए पूरे तत्व के अंदर स्टेप पूरे भरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर तक ऑक्सीजन भरे होते हैं तो कोई ऑक्सीजन अवस्था नहीं दिखाता है, परंतु जी नॉन कुछ क्रियाओं के द्वारा क्या दर्शाता है कि अपनी भिन्न भिन्न ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस 7 ऑक्सीजन अवस्था कौन दर्शाते हैं तो पता चल गया होगा आपको। जो हम वर्ग 17 की बात करते हैं अर्थात हेलोजन फैमिली की बात करते हैं, प्लस 7 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं और सबसे कम न्यून ऑक्सीजन अवस्था की बात करोगे वो जीरो दर्शाता है, वो कौन दर्शाता है, नाइट्रोजन दर्शा रहा होता है और प्लस ऑक्सीजन व्यवस्था दर्शाने को देखने को मिलती है। वह तत्व भी आपको पूछ सकते हैं जो एक एक ऑक्सीजन अवस्था ही दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 तत्व आते हैं बी एल सी और सी आई के हैं, यहाँ पर एंटी एफ देखने सिंगल ऑक्सीजन अवस्था आपको दर्शाते हुए मिलते हैं और भी आप देखिए तत्व और ये देखिए वह तत्व जिसमें सिर्फ सभी सभी एक वास छोड़कर जिनोन को छोड़कर जो ऑक्सीजन अवस्थाएं जीरो दर्शाते हैं वो कौन सा वर्ग है, वर्ग नंबर 18 है। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको सब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ और जो टॉपिक्स हैं बी ब्लॉक से रिलेटेड को हम अगले आने वाली क्लासेस में कवर करते हैं। धन्यवाद, लगातार क्या कीजिए क्लास का रिविजन करते रहिए, ठीक है। जब तक रिविजन नहीं करोगे पीछे वाले का तो आगे वाले जो क्लासेज है उन्हें आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो साथ में जब तक रिविजन करते रहोगे ना, कनेक्टिविटी बनाते रहोगे ना, तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इनके नोट्स बनाइए अपने वीडियोज को, कुछ नहीं चीज समझ में पीछे पहुँच कीजिए फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में उसको डाउट्स को लिख दीजिए और आने वाली क्लासेज में आपके डाउट्स को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।